आज हम कुछ नया सीखेंगे ड्राइंग में, आज कुछ नया इंटरेस्टिंग करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको कुछ ड्राइंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगी। दिस इज कॉल्ड वार्म अप एक्सरसाइज। आप अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपनी स्केचिंग में। फर्स्ट आप एक डॉट बनाइए, फिर रेज निकालिए इस तरह इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रीली। अपने हाथ को फ्री छोड़ दीजिए और जितना हो सके आप फ्री माइंडेड फ्री हैंड करिए। बेटा आप जितनी बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप उतने अच्छे से स्केचिंग कर पाओगे। जितनी बार हो सके आप ये एक्सरसाइज को, देन ओवल शेप बना सकते हैं, लाइनेस खींच सकते हैं लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इनको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस हैचिंग। जितना हो सके जब भी आप फ्री हो आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं। ये वार्म अप करने के लिए होता है, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज हम पाम आर्ट सीखेंगे। पाम आर्ट से दो चीजें बनाना सीखेंगे, स्नेल एंड बियर्ड एल्फ। पाम आर्ट का मतलब होता है हाथ से बनी हुई ड्राइंग। पहले अपना हाथ, देन ट्रेस योर पाम ऑन पेपर लाइक दिस। Then turn the paper like this और देखो देखो बच्चों कैसे हमारी शेप, हाथ की शेप चेंज हो जाती है एक दाढ़ी वाले बोने की शेप में। This is magic, जादू है ना। देन यू कैन कलर इट। अब हम स्नेल बनाना सीखेंगे। इसमें आपको अपने हाथ को इस तरह नहीं रखना है, आप अपनी चार फिंगर बैंड करिए, अंगूठे को बाहर निकालिए एंड ट्रेस इट। ये देखो है ना जादू। देखो बच्चों कितने इजी वे में हमने दो ड्राइंग बनाई, एक स्नेल की और एक बियर्ड एल्फ की। अब आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, आपके पास स्केच पेन है स्केच पेन करिए, क्रियॉन्स कलर करिए, जो भी कलर आपको पसंद है वो करिए। तो बच्चों कितने आसान तरीके से हमने पाम आर्ट से कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। आप भी बना सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करिए, समथिंग न्यू करिए और अपने हाथ की शेप से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करिए। ओके बाय बाय।